वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, आज हम जानेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि क्यों हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखनी चाहिए कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहले जो बेसिक लैंग्वेज हम सीखते हैं वो है सी। सी सीखने का जो मतलब निकलता है वो एक बेस क्रिएट करती है आपके अंदर। कोई ना कोई लैंग्वेज आपको फर्स्ट इनिशियली सीखनी है, तो हर बार ये क्यों फोर्स किया जाता है कि हम सी लैंग्वेज को ही सीखें सबसे पहले? क्योंकि सी लैंग्वेज अगर मैं सीखता हूं तो उससे एक बेस क्रिएट होता है, और बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा उसके ऊपर मकान उतना ही अच्छा बनेगा। सीधी सी गणित है, अगर मेरे जितने ज्यादा सी में मैं स्ट्रांग होऊंगा, दूसरी लैंग्वेजेस को मैं उतनी ही आसानी से और उतने ही अच्छे तरीके से सीख पाऊंगा। सी जो सबसे मेन काम हमारे लिए करती है वो है प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करती है, हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करती है। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने का क्या मतलब है, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुझे हिंदी आती है और मुझे लिख दिया गया कि प्रदूषण के ऊपर एक निबंध लिखिए। निबंध लिखना मैंने शुरू करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? वही बातें जो मेरे दिमाग में आएगी उन्हीं को मैं लिख पाऊंगा, भले मुझे हिंदी आती है। प्रदूषण के ऊपर निबंध हिंदी में लिखना और मुझे हिंदी आती है, पर अगर मेरे दिमाग में विचार आने बंद हो गए या मेरे दिमाग में उस टॉपिक के ऊपर कोई विचार ही नहीं आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकूंगा? ऐसा कई बार आपके साथ भी किसी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर होता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो हम क्या हो जाते हैं? हम ब्लैंक हो जाते हैं। लैंग्वेज हमको आती है, आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया, आपको आंसर पता है नहीं पता है, उस केस में क्या होगा? लैंग्वेज तो आती है पर वो दिमाग में वो विचार नहीं आ रहा है जिससे कि हम उस आंसर को एक्सप्लेन कर दें सामने वाले को, क्योंकि हमको आता ही नहीं, विचार ही नहीं आ रहा है। सेम कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग स्किल का होना। सी लैंग्वेज पढ़ी, मुझे सी लैंग्वेज आ गई, पर क्या नहीं आता है लोगों को? प्रोग्रामिंग करना नहीं आता। सी लैंग्वेज पढ़ ली, परीक्षा दे दी, पास हो गए, सब कुछ हो गए, पर क्या नहीं हो पाता हमसे? कोई भी प्रोग्राम बनना, हम एग्जाम नहीं जाते तो प्रोग्राम हम रट लेते हैं क्योंकि हमें पास होना है। रटे हुए प्रोग्राम से अगर प्रोग्राम आ जाते हैं तो हम लिख देते हैं, नहीं तो ठीक है जो भी किया हमने। जब कोई नया प्रोग्राम हमारे सामने आता है तो हम क्यों उसे नहीं बना पाते हैं? क्योंकि प्रोग्रामिंग स्किल की कमी रह गई हमारे अंदर। हमने सी लैंग्वेज तो पूरी पढ़ ली, कई सारी बुक्स हैं, कई सारे लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, सी लैंग्वेज सीख तो ली मैंने। अब सीखना क्या था एक्चुअली मुझे? प्रोग्रामिंग करना। अब प्रोग्रामिंग करना तो सीखा ही नहीं मैंने। वही वाला एग्जाम्पल, प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखना है, हिंदी मुझे आती है, मैं हिंदी में लिख सकता हूं, पर मैं कब तक नहीं लिख पाऊंगा? जब तक कि मेरे अंदर कोई विचार ना आए। मेरे दिमाग में विचार आएंगे, उन्हीं विचारों को मैं भाषा के माध्यम से लिख पाऊंगा। यही हम लोगों के साथ होता है कि हम सी पढ़ तो लेते हैं, पास भी हो जाते हैं बहुत अच्छे नंबरों से, पर हम किस काम में पीछे रह जाते हैं? हमको प्रोग्राम लिखते नहीं आता है। एग्जाम में हमने प्रोग्राम रट लिए और वो लिख दिए और जैसे तैसे करके हमने एग्जाम पास कर लिया, और थ्योरी के बेस पे एग्जाम आसानी से पास हो जाती है। तो अब जब हम लोग सी सीखेंगे तो उसमें हम मेनली जोड़ देंगे प्रैक्टिकल को, कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होती जाए। और एक बार प्रोग्रामिंग स्किल आपकी डेवलप हो गई तो स्वतः ही आपकी जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में लग जाएगी। आपको किसी भी प्लेसमेंट कंपनी या कोई 100% प्लेसमेंट करवा रहा है उनके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप में खुद में प्रोग्रामिंग स्किल आ गई, आप खुद से प्रोग्राम बनाने लग गए, तो फिर आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद ही प्रोग्राम बना लेंगे। स्किल अगर आप में है, वो पिक्चर देखी होगी आपने, आपको पसंद भी होगी, थ्री इडियट्स, उसमें जो मेन मोटिव था आमिर खान वाला, वो क्या कहते थे? नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मरा के आपके पीछे आएगी।
और हम करते सब उल्टा है। भले वो पिक्चर हमें पसंद है पर हम करते सब उल्टा है। हम सिर्फ नंबर के पीछे भागते हैं, और जब नौकरी जॉब का सवाल आता है तो हम फिर प्लेसमेंट कंपनियों इंटरव्यू दे दे के थक जाते हैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आपकी प्रोग्रामिंग स्किल पे ही आपको जॉब मिलेगी, जो हमने कभी सीखी ही नहीं। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के एग्जाम देते गए और पास होते गए, क्या नहीं सीखा हमने? प्रोग्रामिंग स्किल। तो मेरे इन सारे वीडियोस में जो आगे आएंगे सी के ऊपर, उसमें जितनी थ्योरी जरूरी है, जितना पोर्शन जरूरी है, उतना पोर्शन कवर किया जाएगा, और मैक्सिमम हम फोकस करेंगे प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर कि हाउ टू डेवलप ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, इन चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सी।